पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लूप कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ रखा था। एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर लगने वाला टॉर्क पी क्रॉस ई होता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस पी डॉट ई। उसी तरीके से एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर लगने वाला टॉर्क भी न्यू क्रॉस बी होता है। ऑन सिमिलर पैरेलल लाइन अगर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय माइनस न्यू डॉट बी। सो इस कंडीशन में जब न्यू इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री के बराबर है। टॉर्क तो इस कंडीशन में जीरो है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। एंड वी हैव सीन दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर टॉर्क जो इसके ऊपर लग रहा है वो मैक्सिमम है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इस कंडीशन में टॉर्क इसके ऊपर जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, माइनस पीई इसकी पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी एंड दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। अगर मैं इस करंट लूप को इस कंडीशन में रख दूं तो अपने आप ही ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट होके स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए हमने पढ़ा था वही इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए भी है। वही फॉर्मूले यहां पर भी, उसी टाइप के फॉर्मूले यहां पर भी एप्लीकेबल है। बस हमें फर्क क्या करना है, हमें पी को न्यू से रिप्लेस कर देना है करंट लूप के लिए। न्यू क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फॉर ए करंट लूप इज इक्वल टू एन आई ए। सो एनी लूप विल ट्राई टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी बाय अलाइनिंग इन डायरेक्शन ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, ये दो क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं। एक करंट लूप आई ऐसे फ्लो कर रहा है और ये एक ऐसे लूप में रखा हुआ, ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, ऐसे इस बोर्ड के प्लेन में। दिस मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द प्लेन ऑफ द फिगर। हमें फाइंड करना है कि इस लूप के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, विल बी इक्वल टू जीरो। टॉर्क इसके ऊपर कितना लग रहा होगा हमें फाइंड करना है, तो व्हाट यू टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ेगा कि न्यू की डायरेक्शन क्या है। न्यू की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और बी की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। और इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि बी इस बोर्ड के प्लेन में है, डायपोल मोमेंट इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। टॉर्क विल बी इक्वल टू न्यू क्रॉस बी इंटू साइन थीटा, न्यू की वैल्यू आई इंटू एल स्क्वायर। एरिया कितना है? एल स्क्वायर के बराबर है। उसी तरीके से ये एक ऐसा वायर फ्रेम लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। ये फाइंड करना है कि इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा हो। अगेन सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर होगा, किधर होगा? इस डायरेक्शन में। वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। और बी किधर है? इस बोर्ड के प्लेन में। देयरफोर न्यू और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल। न्यू की वैल्यू कितनी होगी? आई इंटू ए, जहां पे ए जो भी इसका एरिया हो। न्यू कितना होगा? न्यू इंटू बी विल बी इक्वल टू न्यू बी इंटू साइन 90 विल बी इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी। सिंपली क्लियर।